आज का विषय आपके लिए थोड़ा अनोखा है, वेद वेदांत हमारे देश की धरोहर हैं और इनकी नॉलेज हम शायद भूलते जा रहे हैं, पर वर्ल्ड को चमत्कृत करती है। कुछ बेसिक फैक्ट्स पहले बताता हूं। कि वेद वेदांत की उम्र का किसी को अंदाज नहीं है, ये इतने प्राचीन ग्रंथ हैं। दूसरी कमाल की बात यह है कि इनके ऑथर का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि ये किसी एक ऑथर के लिखे हुए ग्रंथ हैं ही नहीं, ये हजारों वर्षों के अलग अलग ऋषि मुनियों के ज्ञान का संग्रह है, संकलन है। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड नॉलेज ओवर द इयर्स एंड ओवर द सेंचुरीज बाय सेवरल सेजेस। और एक अनोखी बात कि नासा, विच इज अ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएसए, हैज बीन रिसर्चिंग ऑन वेद बिकॉज अबाउट एस्ट्रोनॉमी व्हाट इज फाउंड इन वेद इज अमेजिंग फॉर देम। हमारे यहां एक बच्चे का जन्म होता है तो हम कुंडली बनाते हैं। वो कुंडली क्या है? वो तमाम ग्रह उपग्रहों की पोजीशनिंग जो उस बच्चे के जन्म के समय की है उसको नोटिफाई करते हैं। तो ग्रहों उपग्रहों की पोजीशन नोटिफाई करने के लिए ग्रहों उपग्रहों की नॉलेज होनी जरूरी है ना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीनतम समय में भी, स्पेस साइंस में भी हमारी महारत थी, ग्रहों उपग्रहों की पोजीशनिंग हमारी नॉलेज में थी। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हो तो रोमन हिस्ट्री में, इजिप्शियन हिस्ट्री में बहुत लेटली ये तक मिलता है कि गैलीलियो ने जब ये कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एंड द सिचुएशन इज नॉट अदरवाइज, विच वॉज द बिलीफ अमंग देम एट दैट टाइम। तो ये तो बहुत लेटेस्ट घटना है, पर हमारे वेदों में इस तरह की कोई भ्रांति हजारों वर्ष पहले भी नहीं थी। तो ये आज का विषय, हमने कपल किया इस टॉपिक को डॉक्टर सिंह की सलाह मशवरा के बाद, दैट द टॉपिक टुडे इज दैट दिस नॉलेज to be coupled with something which in the current scenario most of you must be facing. And being students, during exam time most of you face a very depressing phase. You feel a lot of distress. So the topic coined today is defeat depression through Vedantic principles. So let's begin with this wonderful journey. आपने पता नहीं कितने ग्रंथों का अध्ययन किया या नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे तो एक
कहानी हमको स्कूल की टेक्स्ट बुक में थी। आप में से किसी ने महाकवि तुलसीदास का नाम सुना है? जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, विच इज अ मॉडर्न डे रामायण। रामायण ओरिजिनल इज फ्रॉम महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस उन्होंने कोलोक्वियल लैंग्वेज में, क्योंकि रामायण ओरिजिनल संस्कृत में थी, तो महाकवि तुलसीदास ने रामायण पर आधारित रामचरितमानस की रचना की कोलोक्वियल लैंग्वेज में, कि जो आम जनता तक समझ में आए। तो उस चैप्टर में एक ऐसी कहानी थी कि महाकवि तुलसीदास का जब ब्याह हुआ तो वो अपनी पत्नी से बड़े प्रभावित हो गए, और उस कहानी में एक ऐसी घटना थी कि उनकी पत्नी ने एक दफे उन्हें डांटा, और थोड़ा सा इंसल्ट किया, थोड़ा ह्यूमिलिएट किया। जब ये स्टोरी स्कूल में थी तो समझ में नहीं आता था, लेकिन उस स्टोरी की इस कहानी में यह था कि पत्नी ने जब तुलसीदास जी को डांटा, उसके बाद उनके अंदर का ज्ञान जागृत हो गया, और वो जो पूरी तरह से अपने पत्नी के प्रभाव में थे उससे बाहर निकल आए, और उसके बाद तुलसीदास महाकवि तुलसीदास बन गए और रामचरितमानस की रचना कर दी। ये डांट का इतना प्रभाव। तो जब स्कूल में थे तो ये सोचते थे कि मतलब पत्नी की डांट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तब से इंतजार में था मैं कि कब बड़ा हूं, कब मेरा ब्याह हो, कब मेरी पत्नी मुझे डांटे तो मेरा भी कोई ज्ञान जागृत हो जाए। अच्छा, ब्याह तो हुआ, डांट भी खूब पड़ रही है, प्रोसेस इज ऑन, इंसल्ट भी हो रही है, ह्यूमिलिएशन भी हो रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान नहीं जागृत हो रहा। मैं ढूंढ रहा हूं कब मैं तुलसीदास बनूं। प्रयास जारी है, कार्य प्रगति पर आए, कृपया प्रतीक्षा करा। आने वाले वक्त में अगर मैं कोई और ज्ञान की बात कर पाऊं तो याद रखना क्रेडिट कहां है। तो आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। रामायण की कथा तो आपको सबको पता है, और उस रामायण की कथा में हनुमान जी का रोल भी आपको पता है। हनुमान जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रामायण। सुग्रीव से राम की मुलाकात हनुमान जी ने कराई, सीता की खोज में निकले तो समुद्र पार करके लंका हनुमान जी पहुंचे, लंका पहुंचकर सीता की खोज हनुमान जी ने की, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो दवाई का इंतजाम हनुमान जी ने किया। ये सब तो आप सब जानते हैं। एक दफे नारद जी हनुमान जी से मिले और उनसे कहा कि अरे, आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आप? हनुमान जी ने कहा, अच्छा और क्या? ये जो रामायण नाम लिखा है
ये तो आपके नाम पर होना चाहिए था। अब नारद का तो काम ही ये है। उन्होंने कहा रामचंद्र जी से ज्यादा तो कार्यवाही रामायण के डॉक्यूमेंट में आपने की है। विदाउट यू देर इज नो रामायण। तो ये रामायण क्यों है? ये तो हनुमानायण होना चाहिए। हनुमान जी बातों को सुन रहे थे तो थोड़ी देर के लिए उनको भी ये अहंकार होने लगा। अच्छा, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि दीज आर नॉट समथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट एज अ फिक्शनल स्टोरी। अप्लाई इट योर सेल्फ ऑन योर सेल्फ इन द करंट पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोग हमें आए दिन मिलते हैं, हमारी बहुत तारीफें करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस हमको बताते हैं, जिसको कोलोक्वियल लैंग्वेज में कहते हैं कि चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। अरे तुम ही तो हो, तुम्हारे बिना तो संभव ही नहीं है, ये तो तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता, और हम में वो अहंकार आने लगता है क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल नहीं है। तो नारद जी के इतने बढ़ावे चढ़ावे के बाद थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भी ये अहंकार आया, भ्रम हुआ कि हाँ यार, मेजर एक्टिविटी तो रामायण में मैंने ही की है, तो ये रामायण क्यों नाम होना चाहिए और क्रेडिट रामचंद्र जी को क्यों जानी चाहिए? तो नारद जी ने जब देखा कि असर सही हो रहा है तो वो नारायण नारायण करते हुए निकल लिए और हनुमान जी से बोले कि यू मस्ट प्रोटेस्ट अबाउट इट, आप वॉइस रेज करिए, ये आपका हक बनता है। तो हनुमान जी चले रामचंद्र जी से मिलने टू लॉज द प्रोटेस्ट एंड टू इन्फॉर्म हिम कि साहब मेरे रोल को जरा रिकग्निशन दीजिए, ये क्या है रामायण। और कमाल की बात देखिए कि जब वो रामचंद्र जी के सामने पहुंचे तो बोलना तो दूर, हतप्रभ होकर स्तब्ध होकर खड़े रह गए। रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आओ हनुमान कहो क्या कहना है। हनुमान जी की तो आवाज ही नहीं निकल रही और वो स्तब्ध खड़े बस देख रहे हैं रामचंद्र जी को, और सारी रामायण फ्लैशबैक में रिप्ले होने लगी, सारे घटनाक्रम रिप्ले होने लगे। जैसे आप बहुत एजिटेशन में कुछ शिकायत लेकर डॉक्टर सिंह के पास जाएं, प्रिंसिपल के पास जाएं, और वहां उनके सामने आकर आपकी बोलती बंद, वैसे ही हनुमान जी कुछ नहीं बोल पाए और सारी घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने पूरी रामायण रिप्ले होने लगी। उनको पहली घटना याद आई जब वो भगवान राम से मिले थे और सुग्रीव से मुलाकात करानी थी, तो उनको याद आया कि राम के पास स्वयं तो गए ही नहीं, वो उनको तो सुग्रीव ने भेजा कि पता लगाओ ये दो राजकुमार तीर धनुष लेके जंगल में घूम क्यों रहे हैं, कौन है ये, क्या इनको बाली ने मेरा वध करने के लिए भेजा है। तो देन ही रियलाइज्ड कि ये उनका स्वयं का निर्णय नहीं था, उन्होंने राम की खोज नहीं की, उन्होंने राम को सुग्रीव से नहीं मिलाया, ये तो ही वॉज फोर्स्ड टू डू दैट।
as if somebody else has scripted it and he has to play that role.